My name is Upadhyay Bharat. Upadhyay Kandar. ओके मैं पॉइंट इस बात के इंडिया में अनइम्प्लॉयमेंट हो रही है इतनी सारी पहले तो मैं सॉल्यूशन देना चाहूँगा अनइम्प्लॉयमेंट के कि सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमारी बढ़ती पॉपुलेशन क्या कि सबसे ज़्यादा बढ़ती पॉपुलेशन जो बार बार बढ़ रही है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि वैकेंसी एक होती है उसके संदर्भ में 100 या 1000 लोग होते हैं जो उसके लिए अप्लाई कर रहे हो उससे बाद हमारे देश का करप्शन कि अगर गवर्नमेंट जॉब के अंदर वैकेंसी है तो एक नॉन एक्सपीरियंस पर्सन और नॉन एडुकेटेबल पर्सन उसके लिए लाइट देके उसके ऊपर जगह ले लेता है और जो एजुकेटेड पर्सन है जो डिजर्विंग जो पोस्ट के लिए डिजर्विंग करता है उसको जगह नहीं मिलती जिसकी वजह से हम कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाते। दूसरी बात यह आती है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम ये डिफाइन करता है कि हम जब ग्रेजुएट होते हैं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम है सीजीपीए के हमारे कुछ नाम के नीचे सीजीपीए लिख दिया जाता है ना कि हमारी स्किल्स लिख दिया जाता है जिसमें जो स्किल को हमने परस्यू करके अचीव करा है और जब हम इंटरव्यू देने बैठते हैं इंडस्ट्री में या कहीं पर अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ पर हमारी स्किल्स देखते हैं हमारा एक्सपीरियंस देखते हैं ना ही हमारी सीजीपीए का तो वो लोग हमें पेपर से रिफंड नहीं करते हमारे स्किल्स से रिफंड करते हैं। और दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट को जो अर्बन एरियाज है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्री ओपन करनी चाहिए जिसकी वजह से अर्बन पीपल माइग्रेट होकर रूरल एरिया में ना आए जिसकी वजह से वैकेंसीज है वहाँ पे डिजर्विंग बंदे ना अप्लाई कर सके और उनको भी वहाँ अर्बन एरिया में बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट है उसको जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके अंदर कुछ करना चाहिए और जो अर्बन एरिया है उसके अंदर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाहिए।